माइनक्राफ्ट के अंदर है, हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रो। हम लोगों ने 3 साल के अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करी है। एंड आई थिंक गाइस इट्स टाइम एक और गेम को इंट्रोड्यूस करने का, जिसका नाम है पाल वर्ल्ड। ब्रो ये जो गेम है ना, ये थोड़ी बहुत जितना मैंने पता किया है माइनक्राफ्ट की तरह भी है। इसके अंदर हम लोग पोकेमॉन्स भी कैच कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग अपना एक सर्वाइवल वर्ल्ड बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग वैलोरेंट की तरह गन फाइट्स भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ तुम लोग इस गेम का पोस्टर देखो, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है भाई। यहाँ पे ब्रांड न्यू टाइप के पोकेमॉन्स हम लोग पकड़ सकते हैं एंड आई थिंक हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज हम लोग इस गेम के अंदर बहुत ब्यूटीफुल पोकेमॉन्स पकड़ेंगे, मेरा मेन मकसद वही होने वाला है। एंड इसका मैं एक नया वर्ल्ड बनाने वाला हूँ गाइस, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, ऑफ कोर्स हिमलैंड्स का भाई, क्योंकि हिमलैंड्स नहीं बनाएंगे गाइस हम लोग यहाँ पे, हम लोग बनाएंगे हिमलैंड्स का भाई और मल्टीप्लेयर ऑफ रखेंगे। एंड सीधा ही हिमलैंड्स के भाई को स्टार्ट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, हमारा पहला वर्ल्ड बनने वाला है पाल वर्ल्ड का। एंड बाय द वे अगर तुम लोगों को पता नहीं है गाइस, तो ये पाल वर्ल्ड, ये दो अलग अलग शब्द है ना, इनके मतलब क्या होते हैं। पाल का मतलब इंग्लिश में होता है दोस्त, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं दुनिया के अंदर। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल को तो मैं यहाँ पे एक लड़की बनाऊँ। आई थिंक मुझे यहाँ पे लड़का बनना चाहिए, वो भी एक बहुत ही हैंडसम था लड़का। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। मेरे को ये दाढ़ी वाला बुड्ढा काफी ज्यादा पसंद आया। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, ये ऊपर से लड़का और नीचे से हम लोग इसको लड़की की बॉडी भी। ए भाई हमको ऐसा नहीं बनना भाई, हमको प्योर लड़का बनना, वो भी 8 packs। रियल में तो पैक्स है नहीं फिलहाल के लिए, एक फैमिली पैक लेके घूम रहा पूरा का पूरा, बट यहाँ पे हम लोग जरूर बनाएंगे 8 packs। और इसकी आंखें हीरो बने जैसी क्यों है भाई, इसकी आंखें हम लोग बनाएंगे एक बिल्ले की तरह। नहीं ये थोड़ा डरावना लग रहा है। ये वाली आंखें इसकी बहुत अच्छी लग रही है। ओ हम लोग इसके आईज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रीन येलो दिस आई थिंक गाइस मैं इसका, ओ माय गॉड पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी जो आईब्रोज है ना भाई, इसकी आईब्रोज भी मैं पिंक कर, नहीं भाई तो झिंगा लाला अजीब सा मलिंगा लग रहा है भाई। आई थिंक इसको मैं यहाँ पर पूरा का पूरा बुढ़ा बनाने की जगह पे पूरा काले कलर का बना देता हूँ। और इसके हेयर्स को भी गाइस ब्लैक कलर देंगे, तो यस अब ये बुढ़े से बन चुका है जवान छोकरा हमारा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने पाल वर्ल्ड के पहले एडवेंचर को। भाई आई एम सो एक्साइटेड यार। ओ माय गॉड ये कितने क्यूट है। यू यहाँ पर चिकन भी है, यहाँ पर एक वो भी था, शीप भी था, इतना क्यूट जैसा। ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड यार। ऑलराइट मुझे अभी ना यही वाले पोकेमॉन्स पकड़ने हैं। आई थिंक हम लोग कहीं दूर से, द टावर्स आर द की, द ट्री होल्ड्स द ट्रूथ। टावर्स की बात हो रही है, ट्री की बात हो रही है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। आई थिंक गाइस हम लोग ना राफ्ट के अंदर से बैठ के आए थे एंड उसके बाद हम लोग समुद्र के थ्रू यहाँ पर अटक चुके। आवर रिस्पॉन पॉइंट Boys and girls. मैंने गाइस बाय द वे ये वाली गेम थोड़ी सी एसजीओ के उसमें खेली थी, क्या बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम पे। तो यहाँ पर देखो हम लोग ये वाले कारनामे कर सकते हैं, ये और यहाँ से मैं उछाल के डायरेक्ट जाऊंगा आगे के लिए। ब्रो दिस गेम इज सो गुड। और इस वक्त हम लोग कहाँ पर है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा अजीब सा टेम्पल जैसा लग रहा है। क्या छोड़ो गाइस, हम लोगों को यहाँ पे रात होने से पहले बहुत सारी चीजें बनानी है, क्योंकि हम लोग फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। जस्ट लाइक माइनक्राफ्ट वी हैव टू स्टे अलाइव। एंड बाय द वे हम लोग यहाँ पे अभी नंगे पुंगे घूम रहे हैं ना, कपड़े वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो यहाँ से एक बार बाहर निकलते हैं। एंड व्हाट द हेल इज, ये सामने क्या है, ये भाई सामने माउंट एवरेस्ट के पहाड़ दिए हुए। एंड ओके आई थिंक गाइस यहाँ पे हम लोग अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हैं। लेट मी चेक, अनलॉक फास्ट ट्रैवल। ओके से क्या होता है, बट चलो बाद में हम इसको एक्सप्लोर जरूर करने वाले हैं। एंड ओ यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी, इसका नाम क्या, एक्सपेंडिचर सर्वाइवर। ओ इससे बात करके देखते रहे एक बारी क्या बोलता है ये। गाइस फिलहाल किस लड़की ने ये बोला है कि ये जिन जिन लोगों के साथ यहाँ पर आई थी ना, वो सारे के सारे यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे के पूरे आइलैंड में बहुत सारे पाल्स है, पाल्स का मतलब पोकेमॉन्स है बहुत सारे। तो भाई साहब उन पोकेमॉन्स ने इसके सारे के सारे दोस्तों को खा लिया। हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए बचना पड़ेगा बेसिकली, यहाँ पे पोकेमॉन्स सबको खा भी सकते हैं। और इसने मुझे बोला कुछ ये मुझे बेसिक सप्लाईज वगैरह दे रही है, जिससे क्या होगा गाइस हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट जिंदा रह सकते हैं। ऑलराइट इसने मुझे कुछ वुड्स वगैरह दी है, रुको एक बार देखूंगा मैं। इसने मुझे 10 woods दी। एंड बाय द वे हमारी इन्वेंट्री है पूरी की पूरी, इसको तुम लोग याद जरूर रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। चलो गाइस एक काम, ओह माय गॉड ब्रो ये कितना क्यूट है, इसको देखो एक बारी। हेलो शिपू शिपू, आप इतने गोल मोल क्यों हो भाई यहाँ पे, देखो देखो कितना क्यूट है। एंड बाय द वे हम लोग इनको पकड़ भी सकते हैं, बट अभी इनको पकड़ने के लिए ना पहले हमें इनको मारना पड़ता है, और आई थिंक हमें ना इनकी बहुत सारा एचपी डाउन करनी पड़ती है। अगर मैं इसको मारूंगा ना गाइस तो मेरे, ये चीख रहा है कितना क्यूट है। नो शिपू, अरे पीछे वाला ही मुझे मार रहा है इसका दोस्त। ओके तुम लोग टीम अप कर रहे हो भाई, तुम लोग टीम अप करके मुझे मारोगे, शर्म नहीं आती है तेरी ऐसी की तैसी पकौड़ी। बक बक मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा तू है।
इसको मैं बहुत ज्यादा मारूंगा, ऐसी की तैसी मैं मीट निकाल के एटलीस्ट खा तो लूंगा तेरा, मेरा दिमाग खराब करेगी तू। और पीछे से मार रही मुझे वो। गाइस मेरी एचपी देखो, नीचे लेफ्ट साइड पे तुम लोगों को मेरी एचपी दिख रही होगी, 159 एचपी बची है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उस दूसरे वाले ने मुझे मारना स्टार्ट किया हुआ। अरे भाई भागो भागो यहां से, ए ये भी मुझे मार रही है। नहीं 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 शिपू ऐसा नहीं करते। चलो गाइस इसका भी मर्डर करके आता हूं एक बारी। मुझे मारेगा मुझे मारेगा मुझे मारेगा तेरी ऐसी की तैसी हैं। पक इसी के साथ तेरा भी खात्मा होता हुआ। एंड गाइस बाय द वे यहां पे ना रात होने वाली है एंड आई थिंक मेरे पास यहां पे, ओह यस लेट्स गो गाइस, मेरे पास दो मटन भी आ चुका है, थोड़ी बहुत वुड्स है और वूल भी आ चुकी है। आई थिंक हम लोग बेड्स वगैरह बना सकते हैं वूल से, दिस इज गुड। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर वगैरह भी है, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है इस गेम के बारे में, ज्यादा डिटेल में मुझे आइडिया एक्चुअल में है नहीं है। तो चलो गाइस मैं एक काम करने वाला हूँ, फटाफट भाग के चलते हैं नीचे जाके ना थोड़ी बहुत वुड्स वगैरह इकट्ठी करते हैं। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले मैं अपने लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स वगैरह खोद कर स्टोन्स वगैरह निकालते हैं, जिससे हम लोग अपने लिए बेसिक सर्वाइवल आइटम्स निकालने वाले हैं। चलो भाई। और बाय द वे गाइस तुम लोग देख सकते हो मेरे हाथ के साइड में ये जो लाल कलर की रे ऊपर के लिए जा रही है, ये हमारा स्टैमिना है। जैसे हमारा स्टैमिना खत्म होगा तो हम लोगों को रुकना पड़ता है यहाँ पे। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मुझे है। जल्दी जल्दी टूट जा भाई। और ये बंदा अपने हाथों से मार रहा है भाई यहाँ पे लिटरली स्टोन को। ओ माय गॉड भाई, काश इतना डेंजर मैं होता रियल लाइफ में तो क्या मजे आ जाते हैं भाई। कितने स्टोन आए, 12 स्टोन आए थे, कितने काफी है भाई, पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है। ओ यहाँ पर आई थिंक ये वो वाला अजीब सा पत्थर है जिसको पैलेडियम बोलते हैं, इसको तोड़ सकता हूँ मैं शायद से। ये भी हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है बाय द वे। टूटो टूटो टूटो, मेरे को ना अभी भी इस बंदे को देखकर लिटरली दर्द जैसा हो रहा है कसम से, मेरे खुद के हाथ में दर्द हो रहा है। ओके गाइस एक पालडियम फ्रेगमेंट आ चुका है हमारे पास, दिस इज गुड। ओ माय गॉड मैंने अभी भी नोटिस किया ब्रो, मैंने पता नहीं क्यों लाइव स्ट्रीम पे ये चीज नोटिस नहीं करी थी, बट दिस वॉटर इज सो रियलिस्टिक डूड, ऐसा लग रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर कोई बहुत ही महंगा सा ग्राफिक डाल दिया, क्या बोलते हैं उसको, शेडर्स लगाया हुआ। ओ माई गॉड ब्रो आई लव दिस गेम, दिस गेम इज लाइक अ हेवन टू मी मैन। चलो वुड्स वगैरह निकालते हैं, यहाँ पे रात होने वाली बाय द वे एंड वी हैव टू सर्वाइव मैन, वी हैव टू डू इट फास्ट 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 फास्ट। आई थिंक हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना सकते हैं। चिकन चिकन, इसका नाम है चिकपी। ओ माई गॉड कितना क्यूट है इसका यार। हेलो चिकू चिकू, हेलो चिकू 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 चिकू, कितना क्यूट है भाई ये। पर इसको लात मार सकता हूँ क्या, लात मारूँ क्या? अगर मैं इसको अभी थोड़े बहुत पंच मारूंगा ना तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि फिलहाल को वो रहने देते हैं ना गाइस। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे प्रिमिटिव वर्क बेंच बनाएंगे और इसको मैं ना इधर ही किधर सेंटर में यहाँ पे कहीं पर रखने वाला हूँ। Yeah, let's go. और इसको मैं अभी यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूंगा। हमारी वर्क बेंच बन रही है, बेसिकली हमारी माइनक्राफ्ट की क्राफ्टिंग टेबल बन रही है यहाँ पे, और इसके अंदर अब यहाँ पे रेसिपीज वगैरह आएगी। सबसे पहले गाइस मुझे ना टेक्नोलॉजी में जाके ये सब कुछ यहाँ पे सीखना पड़ेगा, जैसे हम लोग ये भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे हमारी सारी की सारी रेसिपीज अनलॉक होगी। yeah. थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है मुझे इस गेम की बाय द वे। बाय द वे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, एक्स बना सकते हैं, पिकैक्स बना सकते हैं, टॉर्च भी बना सकते हैं। ओ माय गॉड भाई ये सब कुछ मैं बनाऊंगा। पल्स स्फीयर क्या है, कैप्चर्स पल्स व्हेन थ्रोन। ओ पोकेमॉन पोकी क्या बोल रहा भाई मैं, ये पोकेमॉन पकड़ने के लिए जो पोकी बॉल्स होती है यहाँ पर, ये पल्स स्फीयर। आई एम गोना कैच यू माय ब्रदर, तेरे को पकड़ूंगा। सबसे पहले गाइस मैं चिकन पकड़ूंगा, बहुत ही क्यूट। इनफैक्ट चिकन से पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो बहुत ही क्यूट सी ना वो पकड़ने वाला हूँ, क्या नाम है इसका, शीप पकड़ने वाला। तो गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं ये बना देता हूँ अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स, इसको हम लोग क्राफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। एंड इसी के साथ हमारी पहली स्टोन की पिकैक्स बन चुकी है क्या? ओ यस Let's go, baby girls. चलो गाइस काम करते एक बारी, साइड में आता हूँ एक बारी और पत्थर तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। अभी तक मैंने अपने हाथ को बहुत ज्यादा डैमेज किया, अब इससे देखते हैं। ये अब देखो साइड में क्या फास्ट फास्ट स्टोन आ रहा भाई, और इस पत्थर के अंदर से पैलेडियम फ्रेगमेंट्स भी आ रहे हैं ब्रो, दिस इज सो गुड एक्चुअली। एंड आज के एपिसोड का गोल होने वाला है गाइस मिनिमम 5 पोकेमॉन पकड़ना, ठीक है? 5 पोकेमॉन जब तक मेरे हाथ में नहीं आएंगे मैं इस एपिसोड को क्विट नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एंड बाय द वे हमारा पहला एपिसोड है आज, तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर भी बना सकता हूँ। चलो देख लेंगे यार, कहीं भी रह लेंगे है ना, एक बेड बनाना बेसिक सा एंड बाकी रहने के लिए तो अपन कहीं भी रह सकते। रुको क्या क्या है मेरे पास, 8 पैलडी हमें स्टोन बहुत ज्यादा आ चुका बाय द वे, एंड इतने स्टोन की तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट थी भी नहीं फिलहाल के लिए। ओ माय गॉड गाइस ये हम लोग यहाँ पे पाल डेक में आए हुए हैं, तो तुम लोग मैं दिखाऊं यहाँ पे कितने पोकेमॉन्स है, 111 पोकेमॉन्स है फिलहाल को टोटल यहाँ पे 111। ओके आई एम सो एक्साइटेड, पहला पोकेमॉन, पहले दो तो मुझे दिख ही रहे मुंह के सामने यार। चलो गाइस पाल स्पीयर बनाने के लिए हमें चाहिए वुड स्टोन और पाल फ्रेगमेंट। मेरे पास वुड कितने टोटल, मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया चीज, ए वुड सिर्फ 9 है मेरे पास है। चलो आई थिंक
हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पाल फ्रेगमेंट्स बनाने वाले हैं। ये आया हमारा पहला पाल फ्रेगमेंट और अभी मैं यहाँ पे एक और बनाने वाला हूँ। एक काम करते हैं, मैं तीन बना के रखता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे ना कई बार ये वेस्ट भी हो जाते हैं बाय द वे, जितना मुझे पता। चलो ये हमारे तीन पाल स्पेयर्स बन चुके हैं एंड इनको मैंने फेंक दिया गलती से। Bro, I am a noob. मैं W की जगह गलती से क्यों दबा दिया? Smarty, what are you doing, my brother? What are you doing, यार? Wood खत्म हो गया मेरे पास यार, कसम से dude. कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। एक काम करते हैं, खाली हाथ से चिकनू, मैं ना आपको मारूंगा ऐसा। नहीं चिकन, थोड़ा मैं तेरे को ज्यादा मारूंगा। और अब मैं क्या करूंगा गाइस, दूर चल और कैप्चर। पहला पोकेमॉन मैंने कैप्चर किया कि नहीं किया? प्लीज हो जा। कैप्चर 96%, 99%, 100%। गाय नीचे देखो, हमारा चिकनू आ चुका और इसको अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, ओ माय गॉड, दिस इज माय पाल। ये मेरा दोस्त, आई मीन माय पाल का मतलब वो नहीं है जो लाइक माय पाल एक वर्ड होता है, माय बाप को जो बोलते हैं। ये है हमारा और पोकेमॉन, इसको मैं वापस भी बुला सकता हूँ। This is so good. I'm so happy. हमारा पहला चिकनू आ चुका है। And by the way, guys, रात तो नहीं हो रही ना भाई अभी? हाँ, अभी फिलहाल को रात हुई नहीं है। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा अंधेरा जैसा हो गया था बादलों की वजह से। चलो हमारा दूसरा का है शिपू, वेर आर यू शिपू? आपको तो मैं कैप्चर करके रहूंगा। भाई तुम मरियो मत यार नीचे करके। शिपू, आई एम कमिंग। अभी फिलहाल को मुझे काम करना है, पहले ये जो पैलडी है मैंने इसको मैं ज्यादा से ज्यादा निकाल कर रखता है ना, ये बड़ी काम की चीज है। बाय द वे हम लोग बहुत सारे पोके बॉल्स पहले बनाएंगे, लाइक पाल स्पेयर्स बनाएंगे, तभी हम लोग ऐसे आगे बढ़ने वाले हैं। भाई इस गेम के अंदर हम लोग यहाँ पे गन्स वगैरह भी बना सकते हैं फ्यूचर में, चलो बेस्ट हो जाएगा ये तो। और इसी के साथ हमारे पास 12 पालडियम आ चुके हैं ना, एंड अंडा भी है भाई, लेट्स गो। अंडा पका के खाऊंगा भाई, मैं कच्चा नहीं खाने वाला तुम्हारा भाई अभी यहाँ पे कुछ भी। चल भाई तू ऊपर चल एक बारी, और इसको नहीं खाली हाथ से मारना पड़ेगा। एंड ये यहाँ पे सो रहा है, ये कितना क्यूट है, इसको पंच मारा तेरी पकौड़े। तेरे को पहले मैं बहुत सारा मारूंगा ताकि इसकी ना HP गाइस कम हो जाए, एंड फिर मैं दूर जाकर इसके ऊपर मैं यहाँ पर मारने वाला पोकेमॉन। प्लीज पकड़ जा, मेरे पे एक ही बचा हुआ है। प्लीज, कई बार गाइस छूट भी जाते, दैट्स व्हाई। प्लीज हो जा। और लेट्स गो हमारा दूसरा पोकेमॉन। और गाइस एक चीज दिखाओ यहाँ पर, रखो ये आया हमारा हाथ में शिपू, और मैं इसको अगर फेंकूंगा, ये हमारा पाल है। ओ माई गॉड, कितना क्यूट। आई डोंट नो गाइस कि मैं इसका नामकरण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हम लोग इनका नाम वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं। नीचे देखो गाइस, यहाँ पे अभी इसका नाम लैम्प बॉल है और इसका नाम है चिकपी, तो मैं इन दोनों के नाम कुछ लाइक ऐसे कस्टम नाम रखना चाहता हूँ यार, बहुत ही क्यूट से नाम, राइट? तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड बाय द वे हम लोग की गाइस, तुम लोग देख सकते हो नीचे हेल्थ के नीचे हमारी हंगर बार है, वो ऑलमोस्ट 40% जा चुके। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें यहाँ पर ना कुछ खाना पीना करना पड़ेगा। रुको एक सेकंड गाइस, रिपेयर बेंच भी बना सकते हैं, प्रिमिटिव वे भी बना सकते हैं, मेरे को ना फिलहाल वुडन चेस्ट भी बन सकती है, कैंप फायर बनानी मुझे एक्चुअली में गाइस। कैंप फायर के लिए मुझे वुड्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी 10 पूरे के पूरे। चलो आस पास बहुत सारे पेड़ है गाइस, पेड़ों को खोदना स्टार्ट करते हैं। चलो ये दोनों कितने क्यूट है, आपस में खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हेलो चिकनूस। खैर छोड़ो फिलहाल को तंग ना करते हुए, यहाँ पे रात होने वाली है गाइस, उससे पहले मैं फटाफट अपने वुड्स वगैरह निकाल कर काम करता हूँ। वेट अ सेकंड गाइस, मैं बेवकूफ एक नंबर का यार, मैं इस पिकैक्स से क्यों खोद रहा हूँ इसको? हमें बहुत एक्सपीरियंस है ब्रो माइनक्राफ्ट का यार, हम लोग एक्स बनाएंगे। चल भाई थोड़ा सा गुलाटिया मार के चल, ताकि तू जल्दी पहुंच जाए। और स्टोन की एक्स बनाने के लिए गाइस मुझे 5 वुड्स की जरूरत है। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ यार। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ इट्स टाइम जब हम लोग अपने लिए एक्स बनाने वाले हैं, स्टोन की एक्स, लेट्स गो। बाय द वे माइनक्राफ्ट के अंदर तो स्टोन की एक्स इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, राइट? बट अभी यहाँ पे देखते, हम लोग एरोस भी बना सकते हैं। होली शिट डूड, हम लोग यहाँ पे लिटरली एक बो भी, ओह माय गॉड, फाइबर 15 फाइबर चाहिए, लेकिन इसके लिए यार फाइबर्स तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। एंड स्टोन हमारा बहुत सारा पड़ा है, वुड्स भी 30 चाहिए टोटल, ओह माय गॉड। और अगर ये बो बन गया ना भाई, जो मेरे सामने आएगा भाई यार, जो अपनी माइनक्राफ्ट है, माइनक्राफ्ट की बो कितनी ज्यादा सस्ती होती है ना, यहाँ पे कितनी ज्यादा महंगी है भाई। चलो अब मैं इससे पेड़ खोदूंगा, तो फटाफट हमारे पेड़ों से फाइबर भी निकलेगा और बहुत सारे वुड्स भी निकलेगा। ओह डरा दिया भाई मेरे को एक सेकंड में यार, अपन तो डर ही गया था एक्चुअल में। चलो बहुत सारे वुड्स मेरे को तोड़ने पड़ेंगे गाइस, बिकॉज़ वी हैव टू क्राफ्ट सो मेनी थिंग्स नाउ, बहुत सारी चीजें बनानी है भाई मैंने अभी। ओ यहाँ पे लिखा यू वोंट बी एबल टू मूव इफ यू आर कैरिंग टू मच हैवी स्टफ। ओके अरे भाई
मैंने बहुत कुछ उठा दिया है, दैट्स व्हाई मैं अभी भाग चल नहीं पा रहा हूं ज़रा फास्ट। देख रहे हो यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर तो तुम लोग जितना मर्जी सामान उठा दो भैया, कुछ भी सिस्टम नहीं होगा, बट यहाँ पे वी कांट डू दिस। ऑल राइट, मैं समझ गया भाई। एंड बाय द वे गाइस, तुम लोग देखो नीचे 385 पहुंच चुका हूं मैं, और स्लैश 300 की वो, अरे मैं चल ही नहीं पा रहा हूं, बहुत हैवी हो गया। ओके, आई हैव टू थ्रो दिस ओवर यार, इसको उठा के बाहर फेंक दो, इसको उठा के मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। एंड फिलहाल के लिए गाइस आई थिंक मेरे को इसको पैल्डियम फ्रेगमेंट को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, और यहीं पे कहीं पे गिरा होगा, ठीक है ना। इसको अरे मैं चल ही नहीं सकता यार, भाई साहब क्या है ये, अभी भी मेरा इतना वेट है, कहां से मैं मोटा लग रहा हूं तुम लोगों, इसने कहा इसने सारा का सारा वेट छुपाया क्या, अपनी चड्डी के अंदर छुपाया क्या तूने, दिख तो कहीं नहीं रहा है मेरे को। खैर अब जो लिख के आ चुका है तो आई थिंक गाइस इसको भी मुझे फेंकना पड़ेगा, ये चिकन के इसको भी फेंक देता हूँ, इसको भी फेंक देता हूँ। कितना हुआ मेरा वेट, 363 अभी तक ब्रो, बहुत ज्यादा हैवी सिस्टम। चलो मेरे को आई थिंक गाइस इसके आधे को ड्रॉप करना पड़ेगा, आई थिंक अब मेरी यहाँ पे हो जानी चाहिए, यस 270 हो चुके हैं, आधे के साथ में चलता हूँ भाग के। माई गॉड, ज्यादा सामान भी नहीं उठा सकते भाई इस गेम के अंदर, तो यार गलत बात है भाई। और गुलाटियां मार मार के चलते हैं एक बार जरा, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग अभी गाइस, हैं सोचना पड़ेगा। हाँ फिलहाल को मैं एक टॉर्च बना सकता हूँ, पहले मैं एक टॉर्च बना के रखता हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे रात होने वाली है कभी भी, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास एक टॉर्च हो ताकि दिखे, प्लस हम लोग यहाँ पे फिर सर्दी भी नहीं लगेगी हमको, अदरवाइज यहाँ पे सर्दी लग सकती है हमको, यू नो इट्स अ बिग डिसएडवांटेज। ए चुप, बकवास मत कर, तुझसे कोई बात कर रहा है यहाँ पे, पक 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 किए जा रही तब से लेकर। ओ यस, ओ माय गॉड गाइस, मैं यहाँ पर एक बो भी बना सकता हूँ, चलो बनाते हैं इसको एक बारी, और फिर हम लोग शिकार पे जाएंगे, बहुत सारा मजा आएगा बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत सारा मजा आएगा। ए चुप हो जा तू, तुझसे कौन बात कर रहा है, पक पक किए जा रही है, भाग यहाँ से, देखो कैसे पिछवाड़ा हिला के जा रही है, कोई शर्म नहीं आती इसको, है थोड़ी भी शर्म है तेरे अंदर, निकल यहाँ से पकौड़ी। ब्रो नो वन इज टॉकिंग टू यू, ओके नो वन इज टॉकिंग टू यू, यू जस्ट लीव दिस प्लेस, भाग जाए ऐसे चुपचाप से, वरना ही उड़ा दूंगा तेरे को मैं, समझी। एंड बाय द वे मैं भी फिलहाल को एरोज नहीं, और आई डोंट हैव वुड्स ना, दैट्स व्हाई गाइस मुझे अभी एक चीज बनानी, रुको एक बारी, आई विल टेल यू गाइस। ओके मैंने यहां पे अभी भी एक चीज देखी थी जो कि वुडन चेस्ट, आई हैव टू मेक वुडन चेस्ट, और उसके लिए मुझे वुड्स चाहिए होगी। हाय राम, सब कुछ लेकर आना पड़ेगा क्या मुझे अभी ही यहाँ पे? ओह व्हाट, आई हैव एरोज, इसने एरो फेंक के मारा, कहां है एरो, कहीं भी, वेट अ सेकंड, आई थिंक मेरे पास एक ही एरो पड़ा होता। अरे भाई यहाँ पे रात होगी गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। चलो अपने हाथ में मैं टॉर्च पकड़ के रखता हूँ, एंड फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे लकड़ी क्या खाने की जरूरत भी पड़ने वाली शायद से, तो लैम्ब का मीट बॉल उठा दे और वुड्स उठा दे, आई थिंक ज्यादा पेल्डियम भी उठा दे, 263 पे आ चुका है हमारा वेट हाईएस्ट, और वो खाने का सामान भी उठा दे, इसको उठाऊंगा तो क्या होगा, 280 हो गया, 281, लेट्स गो, सारा सामान आ चुका है हाथ पे, एंड नाउ वी कैन गो बैक, लेट्स गो, और गुलाटियां मार के चल, गुलाटियां मार के चल भाई, तू कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आ जा इधर के लिए। यार मुझे ना यहाँ पे कुछ तो बनाना था अभी यार भाई, मेरे को अभी गाइस अपने लिए कम से कम, तुम लोगों को पता है ना बहुत कुछ बनाना है यार। हाँ रिपेयर किट की जगह गाइस लेट्स ट्राई टू मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू वन थिंग, एक वुडन चेस्ट बनाते अपने लिए, ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ नीचे, वाई बिकॉज इसके अंदर हम लोग अपना सामान वगैरह रखने वाले, ठीक है ना, तो फटाफट। ए यार चिकन बहुत बकवास कर रहे, तो चुप हो जा भाई पीछे, नो वन इज टॉकिंग टू यू, तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है समझी। चलो गाइस स्टोन अंदर रखते हैं, ठीक है, इसके अलावा आई थिंक आई एम गोना डू वन थिंग, हाफ जो हमारी ये वुड्स है इसको मैं यहाँ पे रख देने वाला हूँ, एंड हाँ मुझे एक चीज बनानी और, मुझे एक और चीज यहाँ पे बनानी है गाइस। ओके ओके ओके, वेयर इज द थिंग, वेयर इज द थिंग, कैंप फायर, इनसफिशिएंट मटेरियल, वुड्स की कमी हो रही है, मैंने ज्यादा वुड अंदर रख दिया, तो यहाँ से वुड्स को निकालेंगे, आ जा भाई आधा निकाल देता हूँ अभी गाइस, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कैंप फायर, लेट्स गो, और कैंप फायर को मैं इधर ही किधर यहाँ पे रख देता हूँ ना, ताकि हम लोग नजदीक रहे इसके यहाँ पे, और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो कैंप फायर से गाइस क्या होगा, यहाँ पे गर्मी रहेगी आसपास, और हम लोग खाना वगैरह भी पका पाएंगे फिर, या दैट इज अ थिंग। एंड वहां पे देखो, ओ माय गॉड, एक बहुत ही क्यूट चीज दिखाओ तुम लोगों को गाइस, मैं एक बहुत ही क्यूट चीज दिखाऊ, ये चिकन सो रहा है, ये कितना क्यूट है, ये देखो इसको एक बार, ओ माय गॉड, इसके नाक से थूक निकल रहा है यार, बहुत क्यूट है भाई, और इन दोनों को देखो वहां पे आराम से चले हुए पता नहीं कहां पे। एंड फिलहाल को गाइस लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ तो खाने का सामान बनाना चाहता हूँ, मेरी इन्वेंटरी में क्या है, चिकपी पोल्ट्री है और लैम्ब का मटन पड़ा हुआ है ना, तो मैं ये बना सकता हूँ अपने लिए, स्टार्ट प्रोडक्शन ब्रो। ओके फ्राइंग पैन पे भाई चिकन अंडे के साथ पका रहा है ब्रो, दिस इज सो अजीब बाय द वे। ओके एग फ्राइज भी बना, अच्छा मेरे पास एक अंडा पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं यहां पे एग फ्राई बना सकता हूँ, दिस इज सो गुड, आई मीन खाने पीने का भी सिस्टम यहाँ पे पूरा हो रखा है, और हम लोग यहाँ पे अपने लिए लैम्ब कबाब भी बना सकते हैं। चलो ये सब कुछ बना के रखते हैं, बिकॉज वी हैव टू गो ऑन एन एडवेंचर, आफ्टर सम टाइम वी हैव टू गो ऑन एन एडवेंचर गाइस,
एंड बाय द वे आई एम सॉरी चिकन, आई थिंक आई हैव टू किल यू मैन। ए मेरे पास हैंड इज बच गया भाई ये, रुक एक बारी, एक एरो बनाऊंगा मैं अपने लिए फिलहाल को, एक स्टोन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोन बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्टोन्स। चलो अपने लिए गाइस मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ अभी, मैक्स मैं दो बना सकता हूँ ना, तो मैं दोनों के दोनों बनाने वाला हूँ साथ में। ओके ये बनाए मैंने दो एरोस, एंड अगर मैं इसके ऊपर तानूंगा अभी यहाँ पर गाइस तो मर जाएगा। बाय द वे यार सोते सोते इसको मैं कैसे मार सकता हूँ यार, नहीं मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता यार, आई एम नॉट अ बैड गाय यार, है ना गाइस। बाय द वे मुझे ना यहाँ पे गाइस अपने लिए सोने का बेड बनाना यार, एक बार रुको एक बार, आई मीन सोने के बेड से मेरा मतलब गोल्ड का बेड नहीं है, लाइक अ नॉर्मल बेड बनाना है मेरे को अपने लिए, और बेड बनाने के लिए सब कुछ है मेरे पास, आई हैव एवरीथिंग ब्रो। और पाल, ओ माय गॉड स्ट्रॉ पाल बेड, हम लोग अपने पाल्स के लिए बेड्स भी बना सकते हैं। तो दिस मींस अगर 111 के 111 पोकेमॉन्स या फिर पाल्स हम लोगों ने पकड़ लिए तो हम लोग उनको सुला भी सकते हो, कितने क्यूट लगेंगे इन बेड्स के बस होते हैं। ओ माय गॉड यार हम सो एक्साइटेड यार ये सब कुछ करने के लिए ब्रो, ये गेम इतनी एडिक्टिव होने वाली है कि मैं खेलता रह जाऊंगा इस गेम को पूरा दिन रात बैठ के यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार अपने लिए, सच बता रहा हूँ मैं। अच्छा मैंने गलती से चिकन, वापस आ। देखो गाइस यहाँ से जैसे मैं इधर को जाऊंगा तो मुझे कोल्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा, चल इधर चल तू भाई, गलती से भी कुछ सीन आया। एंड बाय द वे लेट्स डू वन थिंग गाइस, खाना खा लेते हैं ना यार, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है तो इसको मैं अपने पोके बॉल्स को भी खिला सकता हूँ। बाय द वे इनकी ना एचपी पूरी है, मेरी भी वैसे पूरी है, पर नीचे को देखो ये ना हंगर बार है हमारी, ये बहुत ही ज्यादा कम हो रखी है, तो वी हैव टू ईट फूड यार। यस मल्टीपाई एट ग्रिल्ड चिकपी, ग्रिल्ड चिकपी का मतलब समझे, हमारे चिकन का नाम चिकपी, उसको ग्रिल करके मैंने खा भी लिया। वाओ यहाँ पे देखो गाइस मैं अपने लिए बेड बना सकता हूँ, एंड बेड बनाने के लिए वुड हमको 20 चाहिए, 5 फाइबर चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास यहाँ पे फाइबर वगैरह पड़ा होगा। चलो एक काम करते गाइस, अपने इस टॉर्च को बाहर निकाल करना, छलांगे मार मार कर चलते हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने गलती से वो कर दिया था यार, ए भगवान पागल हूँ भाई मैं। चलो गाइस जब तक यहाँ पे कोल्ड भी लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, मैं फटाफट अपने लिए बहुत सारी वुड्स वगैरह तोड़ने वाले, बिकॉज़ आई हैव टू स्किप दिस नाइट ब्रो, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड। और बाय द वे नीचे देखो गाइस मेरा वेट भी बढ़ रहा है, बाय द वे इसका भी ध्यान में देना पड़ेगा बस मेरे को। एंड नाउ आई कैन मेक अ बेड ब्रो, और बेड को मैं कह रहा हूँ बिल्ड इट इनडोर ऑन अ फाउंडेशन विद अ रूफ। ए भगवान हम लोग यहाँ पे ओपन में बेड नहीं लगा सकते भाई, ये क्या मजाक है। हेलो तो कैंसिल कर इसको, और क्या भाई कुछ भी, मेरे को पहले यहाँ पे फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, तो चलो एक फाउंडेशन को अगर मैं यहाँ पे लगा देता ऐसे करके, एंड अभी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं अपने लिए बेड को, है ना, इस बेड को हम लोग बना सकते हैं, वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। आ रहा है भाई इस बंदे को, भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही क्यों चाहिए यार, है प्रॉपर जब तक घर पूरा ऊपर से कवर्ड नहीं होगा तब तक सोएगा नहीं है। इट्स बेटर माइनक्राफ्ट के अंदर भाई जहाँ बेड लगाना है जिस खोपचे में बेड लगाना लगा के सो जाओ यार, नाइट स्किप करने के लिए आई मीन ऑप्शन तो होना चाहिए, बट भाई कुछ बोला यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सुबह होने वाली। चलो कोई नहीं गाइस ये सिस्टम तो हम लोग अपने साथ लेके जा भी सकते हैं, राइट बेड बन चुका है, सुपाऊंगा, कैन नॉट यूज अ बेड विदाउट अ रूफ। ओ माई गॉड सो फ्रस्ट्रेटिंग यार, कोई बात नहीं सर जी हम लोग यहाँ पे रूफ लगा देंगे, पर रूफ कैसे लगाऊंगा मैं, रूफ लगाने के लिए तो मेरे को एक बार स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। हे भगवान वुड की यहाँ पे वॉल्स लगानी पड़ेगी मेरे को सबसे पहले, भाई मुझे तो पूरा प्रॉपर घर बनाना पड़ेगा यार, घर बनाने का प्लान तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था आज के दिन, बट कोई बात नहीं। चलो गाइस एक बारी बेड पे तो सो के तो देखना भाई, मैंने कुछ भी हो जाए पीछे की साइड लगा दे इसको तू अच्छे से, शाबाश भाई अब तो रूफ लग जाएगी, अब तो रूफ लगनी चाहिए ना भाई, सामने वाली साइड तो जरूरत नहीं पड़ती है, आ जाए ये आएगी। एंड हमारे पास यहाँ पे लकड़ियों की कमी हो चुकी है, वाओ। एंड बाय द वे गाइस हम लोगों ने अपनी पहली नाइट यहाँ पे सरवाइव कर दिया, वो भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से, तुम लोग देख सकते हो सामने एक बहुत ही तगड़े वाला सूरज निकल चुका है, देखो भाई सामने यार क्या फायदा हुआ भाई, मैं तो बेड बनाने की कोशिश कर रहा था, आई थॉट कि मैं स्किप करूंगा इस नेट के पास सो के यार, मुझे सोते हुए देखना था, बट कोई बात नहीं गाइस सिस्टम तो हम लोग अभी भी लगा ही सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे लगेगी ये रूफ। ए ये क्या है, ये तो अजीब सी चीज है यार, ये टेढ़ी ऐसी क्यों आ रही है ये, हैं अरे भाई डिजाइन नहीं चाहिए मेरे को, आई डोंट वांट अ डिजाइन ब्रो, ये क्या है ये, मैंने कुछ और ही बना दिया, स्लांटेड रूफ बना दिया मैंने गलती से, भगवान आई जस्ट वांटेड अ नॉर्मल रूफ यार। लगा भाई लगा दे भाई सिस्टम को तू यहाँ पे, कैसे लगेगा ये, अरे लग जा भाई, ए लग गया शाबाश, और अब हम शायद से सो सकते हैं, यस ऐसे सोता, रुक जा भाई रुक जा, अभी सुबह हो रही है, पता चले कि पूरी पूरी सुबह ये बंदा यहाँ पे स्किप कर देगा भाई। एंड बाय द वे हो गया यार,
वेट, I have to see this, भाई. मेरे को देखना, मैं कपड़े बना सकता हूँ क्या फिलहाल के लिए? Where is the कपड़ा? कपड़ा नहीं बन सकता यार फिलहाल को. क्या कपड़े की रेसिपी नहीं खुली अभी? अब मैंने खोल लिया कपड़े की रेसिपी. Let's go. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आना चाहिए हमारा कपड़ा. कपड़ा, रोटी, मकान, बस यही तीन चीज ही होती है जिंदगी में यार. आई डोंट नो, मैंने कपड़े की रेसिपी यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे आएगी. ओह यस, वी नीड. अरे भाई मैं कर सकता हूँ, तुम्हारा भाई बना सकता है कपड़े यहाँ पे अपने लिए. भाई थैंक यू सो मच. एक बहुत ही प्यारा सा कपड़ा बनाएंगे, एक्वायर करेंगे. And where's the कपड़ा? Oh my God, bro. इसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ? कहाँ पे डाल सकता हूँ मैं इसको? Okay. कपड़े का इस्तेमाल कैसे होता है? कपड़े बनते कैसे? जो क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं इस गेम के अंदर, how to make them, bro? I don't know, man. By the way, यहाँ पर गाइस पाल बॉक्स भी है. अगर ज्यादा पोकेमॉन्स हो गए तो हम लोग इसके अंदर उनको स्टोर कर सकते हैं. दिस इज सो क्यूट यार. गाइस यहाँ पे देखो क्लोथ आउटफिट. इसको बनाने के लिए नीचे देखो मुझे दो क्लोथ्स की जरूरत है, जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक है. आओ, गॉट इट. चलो गाइस अब ये काम करते हैं, इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं. उसको तोड़ कर अपने साले के क्या मैं इसको अपने साथ लेके नहीं जा सकता हूँ? आई डोंट नो किसको लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकते भाई. खैर गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हम लोग अभी एक काम करने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से एडवेंचर पे. मुझे बस अपना ना वेट कम करना पड़ेगा. मेरे ना बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी वेट है फिलहाल के लिए. तो मैं क्या करने वाला गाइस, ये क्लोथ को भी रख देता हूँ. पाल्डियम अपने साथ लेके जाना पड़ेगा मेरे को भाई, और वुड्स अपने साथ लेके जानी पड़ेगी ताकि मैं अपने लिए पोके बॉल्स बना सकूं. और उसके लिए वुड की नहीं, मुझे जरूरत पड़ती है स्टोन्स की. ओके गाइस, आधा सामान लेके अब हम लोग यहाँ पे भागते हुए जाएंगे. लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग एक बढ़िया से एडवेंचर पे जाने वाले हैं, अलग अलग पोकेमॉन्स की खोज में जाने वाले हैं. एंड बाय द वे गाइस, हम लोग यहाँ पे डांस भी कर सकते हैं. लेट्स गो. मेरा बंदा अपनी चड्डी दिखा रहा है मेरे को ऊपर से. भाई हट जा, बस काफी. इतना ज्यादा ही खुश हो गया था भाई ये बंदा, ऐसा लगा मेरे को यार. एंड गाइस एक और पोकेबॉल, इसका नाम है चटीवा. चटीवा नाम इसको पोकेबॉल पड़ा है. मेरे पास नहीं है, नो पाल स्पेयर्स अवेलेबल. अरे भगवान, पाल स्पेयर्स कौन बनाएगा भाई? स्मार्टी क्या कर रहा है तू यार? समटाइम्स आई फील लाइक आई एम अ बिगेस्ट नूब यार. पोकेमॉन पकड़ने जा रहा हूँ बट हाथ में पोकेबॉल्स है ही नहीं है. वाओ. सो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं ओवरऑल अपने लिए 5 पोकेबॉल्स बना के लेकर आ चुका हूं, पाल स्पेयर्स. ओके, हम इसके साथ पकड़ेंगे इसको. चलो आ जाओ, पहले हम लगे इस वाले को पकड़ेंगे, बहुत क्यूट है वाला भी यार. फिलहाल को तुम लोग नीचे देख सकते हो, चिकपी है मेरे पास, लैंप बॉल है मेरे पास. अब इन दो के अलावा अब तीसरा वाला आने वाला. भैया मैं ना थोड़ा सा आपको डैमेज करने वाला, इसका नाम है कटीवा. ओह माय गॉड, ये बहुत क्यूट है, जिगलीपफ जैसा लग रहा है. तेरे को पहले तो मैं मारेगा. पकड़ा इसकी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी. लेट्स गो. एंड बाय द वे गाइस, मुझे भी एक बार चेक करने दो, इसकी ना बहुत कम हेल्थ हो गई, ऐसा को लगा. ओह नो, ये बहुत ही ज्यादा वीक है, ये बहुत ज्यादा वीक है. मैंने इसको बहुत ज्यादा मार दिया, सो सॉरी. इतना ज्यादा मारने की जरूरत नहीं थी बाय द वे इन लोगों को. भाई मर जाएंगे लोग नहीं तो, है ना? ओके, दैट वाज माय बैड यार. बाय द वे गाइस, मैप पे एक बार मैं देख लेता हूं कि मैं हूं कहां पे हूं. हाँ, ये वाला जो हमारा स्टैचू है गाइस, ये हमारा घर का स्टैचू, ठीक है ना? याद रखना पड़ेगा, ये वाला हमारा मेन स्टैचू है यहाँ पे. और अभी हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं कहीं पे. चलो एक बहुत ही प्यारे इसे एडवेंचर की तरफ बढ़ते हैं. बाय द वे, इन्वेंटरी का वेट नहीं बढ़ाना है, बस मैंने कुछ भी हो जाए. ये गाइस हमारा वेट यहाँ पे 350 हम लोग मैक्सिमम उठा सकते हैं, और 78 अभी हमारा वेट है. जितना हम लोग हैवी उठाएंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों को डिफिकल्टी होगी चलने में. सो दैट इज अ थिंग. अभी ओह माय गॉड, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह गाइस, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है. दिस ओह माय गॉड, लुक एट दिस ओशन डूड. बाय द वे, इस ओशन के अंदर भी बहुत सारे पोकेमॉन्स हो सकते हैं. बाय द वे गाइस, मुझे सामने एक ट्रेजर चेस्ट दिखी है, इसको उठाएंगे हम लोग यहाँ पे. एंड गाइस, ये क्या था? फुदक के नीचे गिर गया था पागल. हाँ मैं बोल रहा था गाइस कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग है जो की ऑलरेडी अरे परे घूम रहे हैं. भाई मुझे क्या क्या मिला गाइस? मुझे टोटल 3 पाल स्पेयर्स मिले, एंड आई थिंक कुछ और सामान मिला. गोल्ड, 96 गोल्ड मिला, ठीक है. लो ग्रिड मेडिकल सप्लाई, अगर मेरा सिस्टम यहाँ पे खराब हो गया तो बाय द वे मैं यहाँ पे खुद को हील भी कर सकता हूँ. दिस इज एक्चुअली गुड यार. एंड जितना मुझे याद रहेगा, यही सेम पाथ मैंने फॉलो किया था जब हम लोग एसजू के लाइव स्ट्रीम पे थे. हम मैंने सेम टू सेम यहाँ पे यही वाला किया. तो मुझे बस एक नया पोकेमॉन चाहिए भाई. 3 पोकेमॉन मैं पकड़ चुका हूँ, 2 ब्रांड न्यू नए पोकेमॉन और पकड़ने हैं. ओ ये क्या है? अंडा, एक अजीब सा दिखने वाला अंडा. रुको, डैम्प्ड एग है गाइस, आई डोंट नो इससे क्या होता है. बिल्ड एन एग इनक्यूबेटर टू इनक्यूबेट पाल एग. ओ, हम लोग लिटरली पाल के एग्स वगैरह भी निकाल सकते हैं. भाई तू नीचे मत गिरियो, नीचे है क्या है वैसे यहाँ पे? आई वॉन्ट टू सी दिस. ओके, मैं छलांग मार के जाऊँ क्या? आई वॉन्ट टू गो अदर साइड यार, या तो फिर पानी के थ्रू जा. आई डोंट नो कि पानी के बीच क्या होगा. कोई अजीब सा पोकेमॉन मुझे मिल गया ना यहाँ पे अगर, तो भाई मैं मर जाऊंगा मैं अभी. ओके भाई तू ऊपर चल एक बारी. ओह माय गॉड, मैं डर गया था अभी.
भाई इसके ऊपर पानी की लेयर है इस बंदे के ऊपर। This game is so realistic, boys and girls. एक लाइक तो बनता भाई। और भाई इसका स्टैमिना जा रहा है, तू यहाँ पे ना थोड़ा आराम कर ले एक बारी, ठीक है? Oh my God, don't tell me के। नहीं, तू थोड़ा सा पागल है क्या भाई? इसका स्टैमिना खत्म हो गया इस बेवकूफ का। लाल वाली डॉट देखो तुम स्टैम। This guy is freaking dumb, dude. और ये मर रहा है। साइड मेरे को नीचे 318 होगी भाई, मैं मर जाऊंगा गाइस, मेरा सारा सामान यहीं पे छूट जाएगा यार। ये क्या आदमी है यार, इसको मैं स्टैमिना दे ही नहीं सकता हूँ यहाँ पे ब्रो। दिस इज व्हाट, मैं मरने वाला यहाँ पे। व्हाट, ये एक नंबर का बेवकूफ है। दिस गाय इज डंब एज आई डोंट नो क्या बोलूंगा भाई, कितनी अजीब। ओ बाय द वे मेरा सामान नहीं छूटा, ओके दैट्स गुड। अरे मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ, ये मैंने कहाँ पर रिस्पॉन कर दिया खुद को। हेलो, ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स है बाय द वे। मैं कहाँ पे, एक सेकंड को, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे देखने दे। वेयर इज द फ्रीकिंग मैप डूड? ओ मैंने इस आइलैंड पे कर दिया खुद को गलती से, मुझे वहां पे जाना चाहिए था और वहां पे कहीं पे मरा हूं मैं। ओके कोई बात नहीं गाइस, यहां से मैं बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ के यहां से वापस अपने घर की साइड जाऊंगा। यार ये बहुत अजीब सी बात हुई है भाई, मैं कैसे मर सकता हूं पानी के बीच है। ओह यहां पे थोड़ा बहुत चेस्ट वगैरह इसके अंदर से सामान वगैरह निकाल दिया गाइस मैंने। एंड बाय द वे गाइस, इस पोकेमॉन का लेवल तो मैंने देख सकते हो, इसके ऊपर 9 लिखा हुआ है ना, तो ये 9 लेवल वाला। और मेरा लेवल क्या है फिलहाल को, मुझे देखने दे गाइस। आई एम एट 4 लेवल गाइस, तो मैं इस पोकेमॉन को अगर पकड़ने जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा जान से, ठीक है? तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो स्मॉल पाल सोल इसको उठा दो। इसका क्या, ये 3 लेवल का, मैं इसको उठा सकता हूं। हेलो भैया, आई एम गोइंग टू कैप्चर यू, ओके? तेरी ऐसी की तैसी नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, मारी मत मारी मत मारी मत, इधर मेरे नजदीक आ। नहीं, मुझे मारेगा। चल 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 चल, आई कैन कैप्चर यू, मुझे को अच्छा खासा। ए मार देगा मुझे, नो। ओके आई एम अ नूब इन दिस गेम राइट नाउ, आई एम अ नूब। ओके थोड़ा सा दिमाग लगा स्मार्टी, इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता गाइस। मैं दोबारा से ना यहीं पे जाने वाला हूँ, दोबारा से यहीं पे जाने वाला हूँ, ठीक है ना? इस इलाके में खुद को रिस्पॉन करेंगे और इस बार आई विल ट्राई टू कैप्चर दिस डूड। ओके मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर मरा था मैं लास्ट टाइम पे, और इसमें से कोई भी सामान मेरा गिरा होता तो मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ, है ना? इसमें अच्छी चीज है, हम लोग रिस्पॉन कहीं भी कर सकते जहां हम चाहें। तो मैंने इसको ना एक्स, इसको ऑलरेडी डैमेज पड़ा हुआ है। ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, वापस आ, ए वापस आ भाई, ए पानी के बीच भाग गया, इसको मैंने डैमेज किया हुआ था, भाग गया। ये गंदा है भाई, ये भाग गया यार, शिट डूड्स। ओके गाइस, मुझे एक बारी खुद को रीजन होने देना पड़ेगा, सो फॉर दैट लेट्स डू वन थिंग। मैं यहाँ पे खुद को खाना खिलाने वाला हूँ ताकि जल्दी जल्दी रीजन हो जाए हमारा सिस्टम यहाँ पे। बेटा तुझे तो मैं पकड़ के रहूंगा, इसका नाम है कैलरे, जो भी नाम है तेरे को तो पकड़ के रहूंगा भाई मैं, तेरे को छोड़। एक और यहाँ पे पोकेमॉन, ये भी 3 लेवल का, इसको पकड़ सकता हूँ, प्लीज प्लीज। तेरी ऐसी की तैसी, मर 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 मर, थोड़ा सा स्मार्ट, ये मारेगा क्योंकि मेरे को, ये मेरे को मारेगा नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा भाग। और आसपास के सारे पोकेमॉन को गुस्सा आ जाता है, ये लोग ग्रुप में मारते हैं भाई। इसको मैं ज्यादा डैमेज दूंगा, अब मैं इसको पकड़ पाऊंगा। तेरी ऐसी की तैसी, पकड़ ले प्लीज 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 प्लीज। नो, मुझे इसको ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा, आई थिंक सो। ओके पकड़ूंगा, पकड़ तेरी ऐसी की तैसी, प्लीज 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 बॉयज, प्लीज 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 प्लीज। आजा, नहीं छूट गया बंदा, इसको गुस्सा आ गया, इसको गुस्सा आ गया, इसको गुस्सा आ गया, नहीं 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 नहीं, थोड़ा एक आधे पंच और मार इसको, एक मार, अरे आगे जा, क्या कर रहा है, एक मार, पकड़ इसको, अभी तो पकड़ लूंगा भाई मैं तेरे को, अभी ऐसा नहीं हो सकता। 73% 87, अरे नो 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 नो, 100% गाइस, पकड़ लिया इसको मैंने, लेट्स गो। ओके देखो गाइस, इसका नाम है पेंगुलेट। आजा मेरे बेटे, तू मेरा पोकेमॉन, पर ये गुस्सा है मुझ पे भाई, क्योंकि वो ऊपर वाला बदसूरत अभी तक मुझ पे गुस्सा है। ओ मेरा पोकेमॉन उसको मार रहा है, गुस्से में। ओके ठीक है, नहीं तू वापस आ, तेरी हेल्थ ऐसे भी कम है, आई डोंट वांट कि तू मर जाए। गाइस 4 पोकेमॉन मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ, एंड अभी हम लोग ना दोबारा से एक और एडवेंचर पे जाएंगे, क्योंकि ये बदसूरत शेवलरी मेरे हाथ पे नहीं आने वाले भाई, ये मुझे इजीली मार सकते हैं ना। एंड लेट्स डू वन थिंग गाइस, इसको मैं नीचे निकालता हूँ, मेरा पोकेबॉल भी तो इस पे हमला करेगा। ए वापस आ, वापस आ, कहाँ जा रहे तू साले, तू पानी के भी जाके क्या कर, पागल है क्या थोड़ा सा? ओके 4 लेवल वाला शेलेवरे है भाई, इसको तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे 3 लेवल वाला ही चाहिए। अगर तो भाई ये वाला बंदा वापस आ गया ना तो बेस्ट हो जाएगा भाई। पाल उस पे हमला कर, जा उस पे हमला कर, दूर से करना हमला, तू उसको फ्रीज कर सकता है, ये किसी काम का नहीं है, तेरी ऐसी की तैसी, भाग यहां से। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो, इसका नाम है इथी, क्या ये इकथी डियर, ओ माय गॉड, इसको पकड़ना है मैंने,
इसको मेरे पकड़ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं इसको पकड़ूंगा कैसे ब्रो? ये बहुत, ये 10 लेवल का पोकेमोन है यार। नेक्स्ट एपिसोड में गारंटीड आऊंगा इसको पकड़ने के लिए ब्रो। ही इज सो ब्यूटीफुल, देखो इसको एक बार। ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पोकेमोन है ब्रो। आई वांट यू, आई थिंक क्या पता हम लोग इसके बैठ के जा भी सकते हैं। ओके, आई हैव टू भाई, नेक्स्ट एपिसोड में इसको मुझे पकड़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए ब्रो। यहाँ पे बहुत सारे है भाई। इसका नाम है फॉक्सी पार्क्स। इसको मैं अभी नहीं पकड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे को 5 लेवल चाहिए होगा मिनिमम इसके लिए। ये भी डर के मारे भाग रहा है यार। फिलहाल के लिए गाइस सारे के सारे बंदे डर के मारे भाग रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। ओके, मैं इसको निकालूंगा बाहर। अभी देखना गाइस मैं क्या करूंगा, मैं बता दूं तुम लोग इसको मैं एक, अरे भाई भाग गया ये बंदा, भागा नहीं होता ना भाई इसको, मैं भी अभी फटका मारता है कसम से। ओ गाइज, मेरे पास 3 स्टैट पॉइंट्स पड़े हैं ना, तो इससे मैं ना अपनी हेल्थ वगैरह भी बढ़ा सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं अपनी हेल्थ बढ़ाने वाला 600 करके, स्टैमिना बढ़ाने वाला और अपना अटैक बढ़ा देता हूँ मैं, है ना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके करेंगे, लेट्स गो। हेलो, मेरा पोकेबॉल कितना क्यूट है। हेलो हेलो, ओ भाई यहाँ पे रात हो रही है बाय द वे। आई थिंक मेरे को ना बहुत जल्दी अपने घर वापस जाना पड़ेगा। कितना क्यूट है मेरा पोकेमोन इन। ओ माय गॉड, यहाँ पे और बहुत सारे पोकेमोन है गाइस। 5 लेवल का, ये क्या है, ये क्या है? Oh my god, ये कितना क्यूट है। मेरे पास पोकेबॉल्स कितनी पड़ी है? I have 4 पाल स्पेयर्स, okay? So let's do one thing guys. इसको मैं मारेगा। आजा मेरे पोकेमॉन, मारिस को, मारिस को, मारिस को, मारिस को, मारिस को। ये हमला करेगा। मेरे को उसको गुस्सा आ गया गाइस। ये मारा, नहीं मार देगा इसको, जान से। जान से मत मारियो भाई, जान से मत मारियो। आर यू डंब ब्रो? ऑलमोस्ट, उस नए पोकेमॉन को उसने ऑलमोस्ट मार दिया। रुके भाई, यहाँ देखो, ये हमारा नया पोकेमॉन है। ओ माय गॉड, ये ऑलमोस्ट मरने वाला था। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? क्रीमेस नाम है इसका। एंड बाय द वे गाइस, लेट्स डू वन थिंग, पाल डेक पे जाके देखते हैं ना भाई, पाल डेक पे जाके देखते हैं ना भाई। देखो ये आ चुके हैं, इसको मैंने देख लिया है, इसको मैंने पकड़ लिया है, इसको, इस गूमॉस को भी मैंने देख लिया है, टी फांड्स को मैंने पता नहीं कहा देखा, इसको मैंने पकड़ लिया, करें इसको, लेट्स गो। एंड बाय द वे गाइस, वो याद है तुम लोगों को, वो क्यूट सा यूनिकॉर्न जैसा पोकेमॉन, उसका नाम है कैपरिटी। तो ये 35 नंबर पे आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कैपरिटी नहीं, तो उसका नाम ये था एक तीर डियर। ये देखो 37 नंबर का पोकेमॉन है भाई। जैसे जैसे गाइस हम लोग आगे आगे जाएंगे, एडवेंचर्स को बढ़ाएंगे, हमें बहुत रेयर रेयर पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं। बाय द वे गाइस, टोटल 5 पोकेमॉन्स मेरे पास हो चुके हैं। देखो एक ये चिकपी है नीचे, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, 5 मैं पकड़ चुका मेरे बैठे। अभी मेरे 3 पाल स्पेस बचे, एक और पोकेमॉन पकड़ना है भाई अभी मेरे को, किसी भी हालत में एक और पकड़ना ही पकड़ना है। ओके गाइस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग, मेरे को अपने लिए ये वाला पोकेमॉन चाहिए, क्योंकि ये ना फ्रीज कर लेता है, बहुत ही अच्छी अटैकिंग पावर है इस बंदे की, तो ये फ्रीज कर लेता है, जिससे क्या हो जाएगा कि मैं इनको इजीली पकड़ पाऊंगा। आई थिंक मेरे को एक शैलेरी पे हमला करना पड़ेगा अभी, रुको एक बारी, थोड़ा नजदीक चलता है। आजा भाई पोकेमॉन, मेरे को तेरे को मिल बांट के इसको पकड़ना है बदसूरत को, ठीक है ना? ये लोग बहुत दूर से भागे जा रहे हैं, अगर मैं इसको एक फटका मार पाया, ए मेरे पास है ही नहीं एरोस, आई डोंट हैव एरोस डूड, ए नहीं मैंने वेस्ट कर दिया, ये पड़ेगा, नहीं पड़ा। अरे यार मैंने वेस्ट कर दिया भाई, 2 एरोज मैंने वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। इसको मैंने नजदीक से थोड़ा मैं लगा, लेट्स गो, मार 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 मार, मेरा नहीं, ये मेरे पेंगुइन को ना मारे, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, इसको मार, ये मर गया, मैंने मार दिया उसको गलती से, ये मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, चल 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 चल, छोटे छोटे साइडो, छोटे साइडो, छोटे साइडो, छोटे साइडो, छोटे साइडो, छोटे साइडो, इसको पकड़ के रख भाई तो एक बारी ना, ये मेरे ना मेरे मेरे पोकेमॉन को मारा बाय द वे, अब मैं इसको पकड़ूंगा, नहीं मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने वेस्ट कर दिया, बस काफी है, काफी 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 है, काफी है, पकड़ ले इसको, प्लीज 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 प्लीज, 94 हो गया है, 94 99 100, लेट्स गो मेरा पाल भाई, तू नेक्स्ट लेवल है गाइस। ये जो हमारा पेंगुलिट है ना, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये सामने वाले बंदे को ना, एक ठंडो लग रही है, डेंजर बोल रही है कि मुझे, ये तू पहले वापस आ जा गाइस। जो पेंगुलिट है ना, ये एक्चुअली में क्या करता है, सामने वाले पोकेमॉन को ना ये पूरे तरीके से फ्रीज कर लेता है, जिससे क्या होता है उसकी पावर बहुत इजीली चली जाती है। ओके ये क्या है यहाँ पे, व्हाट द हेल इज दिस, पाल फ्लूइड मिला मेरे को, और इसकी मौत हो गई ना बेचारे की। कोई बात नहीं भाई, तू काफी अच्छा लड़ा है, तूने काफी ज्यादा कोशिश करी थी मुझे मारने की, एंड आई एम गोना डू वन थिंग, आई एम गोना जस्ट पुट यू ऑन फायर माय ब्रदर, मार तेरी ऐसे, रुक जा रुक जा रुक जा, इसको मार 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 इसको मार इसको मार इसको मार इसको, मेरे पाल मार इसको, माय पाल इज नेक्स्ट लेवल डूड। ओके इसकी हेल्थ बहुत कम है बाय द वे, मेरे पाल की हेल्थ बहुत, नहीं 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 वापस आ, मेरा पाल मरने वाला है, मेरा पाल मरने वाला है, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पाल को मारेगा तू, है पकौड़े ऐसी की तैसी, ओ माय गॉड आई ऑलमोस्ट डाइड। एंड बाय द वे गाइस, मेरे पास खाने का सामान पड़ा होगा तो, और रुको मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अपने इस पाल के ऊपर, ओ मैं कर ही नहीं सकता इसका इस्तेमाल, व्हाई आई डोंट नो व्हाई, बट क्या कुछ खाने का सामान पड़ा है मेरे पास? ओ आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट यार, सीरियसली डूड, पाल फ्लूड से क्या होता है,
आयरन में से क्या होगा, पाल के सोले काश कुछ खाने का होता यार। मेरा वो जो बेचारा पेंगुलिट है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है। दिखाओ मैं तुम लोगों को एक बार, देखो गाइस यहां पे इसको। पेंगुलिट कांट फाइट एनी मोर भाई, इतनी कम हो चुका है कि ये बेचारा फाइट भी नहीं कर सकता। गाइस आई हैव टू लीव दिस प्लेस एंड आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू स्लीप। सो बॉयज एंड गर्ल्स आई एम बैक, फाइनली मैं यहाँ पर वापस पहुंच चुका हूँ। और अब एक काम करते हैं ना, सीधा सो जाते हैं और नाइट को स्किप करते हैं भाई साहब। दैट वॉज समथिंग एपिक, बहुत ज्यादा मजा आया। एंड यार मेरे को ना बस अभी एक चीज करनी है, मेरे को मेरे इस छुटकू से पाल को ना वो करना। देखो तो इसको एक बारी, ओ इसकी हेल्थ पूरी हो गई है। जब हम लोग रात को सोते हैं तो इसकी हेल्थ पूरी भी हो जाती है। ब्रो यू आर सो गुड यार, ब्रो ये बंदा जो मारता है ना भाई, आई एम टेलिंग यू इतना बेस्ट बंदा मैंने आज तक दिखाई। लो कहा जाले, हेलो मेरा बच्चू बच्चू कहा जाले हो आप। एक बारी को मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ना वो बनाऊंगा, बेड बनाता हूँ और फिर मैं तेरे सोने का जुगाड़ भी करता एक बार यार। ये बहुत क्यूट है भाई, इसको वापस बुला दे यार, बड़े भागता रहेगा नहीं तो यार। बंदा ये सही है बड़े, बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, शैतान है बहुत ज्यादा। और मेरे पाल का बेड गाइस मैं यहाँ पे लगाऊंगा बाहर को, आराम से यहाँ पे आना। ओह कितना क्यूट है भाई ये बेड, इसको बनाते एक बार जरा। देख रहे छोटे, रुके एक बार, वेज ना पाल, देख रहे छोटे तेरा बेड बना रहा हूँ यहाँ पे, कितना खुश हो रहा है, ये भी बना रहा है। What? Oh my God! This is so cute, यार. This is so cute. He's helping me. कितना खुश हो गया ये? Oh my God! Bro, this is so cute. मुझे पप्पी देने का मन कर रहा है इस क्यूट से प्राणी को। देखो इसको कितना क्यूट है ये। और तू यहाँ पे सोएगा आज रात को, ठीक है ना भाई, तू यहाँ पे सोएगा आज रात को। ए, 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 ये कौन है? वापस है तू वापस एक बार। ये बच्चों कौन है भाई? हू क्रिएट है इसका नाम? रुक एक बार इधर गाइस, मेरा लेवल की मेरा 5 लेवल है फिलहाल के लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको पकड़ सका। हू क्रिएट, कितना अजीब सा नाम है इसका। ये उल्लू है बाय द वे, उल्लू। तो अगर मैं इसको मारने जाऊंगा तो मुझे मार देगा ना, तो फिलहाल को मैं रिस्क तो लेना चाहता नहीं। इनफैक्ट गाइस लेट्स डू वन थिंग, हाउ मेनी पोकेबॉल्स? मेरे पास एक पाल्स पे पड़ा है ना, इसको पकड़ने की ट्राई कर। एक और आया, इसका नाम है डे ड्रीम। ऑलराइट ठीक है भाई, ये भी कितना मस्त है भाई। इन सबको तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में पकड़ने वाला बाय द वे। क्यों गाइस? क्योंकि ये ना बहुत डिफिकल्ट होंगे पकड़ने के लिए, मुझे मेरा लेवल बढ़ाना है। मैंने एसजो से जस्ट अभी बात करी, उसने मुझे बोला है लेवल अप करने के लिए भाई तुझे बिल्ड्स वगैरह बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। एंड बाय द वे ये तो हमारा जस्ट एक टेम्पररी बेस है फिलहाल को, हमें कहीं और जाने, तो हमारा स्पॉन पॉइंट है भाई, कहीं और शिफ्ट होकर मुझे वहां पर बनाना है इसको। चलो भाई एक काम करते हैं, पाल को बाहर निकालते हैं। पाल हमारा के, ए रुको, क्या मैं दूसरे पाल को भी निकाल सकता हूं क्या बाहर? जो क्रेमिस है इसको मैं निकाल सकता हूं बाहर? ओ नहीं, एक बार में से वे किया सकता है, दिस इज नॉट गुड। रुको मेरा फेवरेट तो यही है भाई, माय फेवरेट आर यू मेरा पेंगुलिन तू। इसने ये बेड भाई, जो इसने ये बेड बनाने में मेरी मदद करी है ना, बाय गॉड आई वाज सो हैप्पी यार, सीरियसली। एंड आई जस्ट वांट टू सी वन टाइम कि ये बेड यहाँ पर कैसा लगता है। रुको एक बारी, तू चिकन तू निकल जाए यहाँ से, तू यहाँ पे नहीं रह सकता। रुको 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 रुको, इसको मैं एक मारूंगा ना, बाकी का काम मेरा पेंगुइन करेगा। आ जाओ मेरा पेंगुइन, मार इसको मार इसको मार इसको मार इसको मार इसको पूरी तरीके से मार इसको। ये हुई ना बात भाई, तू कुछ नहीं कर सकता है, मेरा पेंगुलू टू बेस्ट है भाई, रेको मार दे। दिस इज गुड। और अभी हम लोग यहाँ पे गाइस खाना भी बना देते हैं। ओके ये बनेगा खाना, ये बनेगा मेरा खाना, ठीक है। और मैं मेरे पे अभी एक आइडिया आया गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने खाना बनाया और मैं इसको भी बनाई देता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है ना। और एक मैं खिलाऊंगा अपने पेंगुलू टू को और एक मैं अपने लिए रखूंगा। आई हैव अ फेवरेट पोकेमोन गाइस, आई हैव अ फेवरेट पोकेमोन नाउ एंड इट इज नन अदर देन मेरा पेंगुलू। ए मैंने गलती से उसको फेंक दिया नीचे, ए भगवान। ये पोकेबॉल वाला बहुत ही बेकार सिस्टम है यार बाय द वे। चलो गाइस अंडा है ना, ये अंडा मैं खिलाने वाला हूँ मेरे पेंगलुटू को, इसको खिलाऊंगा मैं, शाबाश। और जो ये ग्रिल्ड चिकपी कबाब है ना, ये मैं खुद खाऊंगा, मेरा पेट भी भर चुका है, लेट्स गो। एंड बाय द वे एक अनाउंस पॉइंट आया, तो मैं अपनी ना हेल्थ और बढ़ाने वाला हूँ, जिससे गाइस क्या हो जाएगा कि जब हम लोग एडवेंचर्स पे जाएंगे ना, तो हम लोग ज्यादा इजीली मरेंगे नहीं। हु द हेल आर यू एंड दिस इज माई प्रॉपर्टी ब्रो, गेट ऑफ माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी, नो वन इज अलाउड हियर। अगर तू नहीं जाएगा तो देख मेरे हाथ पे एक्स पड़ी हुई है ब्रो, यू जस्ट भाग जाए यहाँ से। अब मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे पेंगलुटो को गुस्सा आ गया ना भाई, तो तेरा भरता बना देगा वो, समझा। ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला गाइस, आई थिंक आई हैव टू कैप्चर दिस गाइस वेल, इसको मैं पकड़ने वाला भी। और साला इसको लग रहा है कि ये मुझे मुझे आंख दिखा सकता है, मुझे स्मार्टी भाई को आंख दिखाएगा तू, है तेरी इतनी औकात है क्या भाई, है तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे यहाँ पे वो दिखाएगा आंख। चलो गाइस एक पाल्स पेयर, क्या मैं मैक्सिमम दो बना सकता हूँ? मैं दो के दो पाल्स पेयर फटाफट बनाता हूँ और इस बंदे को पकड़ता हूँ। तेरी पकौड़ा ऐसी की तैसी, ज्यादा हीरो बनेगा। पाल तैयार हो जा, ठीक है ना भाई, तैयार हो जा, अभी हम लोग इसको पकड़ने वाले हैं। इसको तेरी ऐसी की तैसी बात, मार इसको मार इसको मार इसको, शाबाश मेरे भाई, शाबाश मेरे भाई। ले मैं इसको मारूंगा मारूंगा, अभी मार देगा इसको ये, मुझे पकड़ना पड़ेगा, मेरा पाल इसको जान से मार देगा, नहीं तो मेरा पाल है बड़ा डेंजर बंदा, ये इसको ना लिटरली जान से भी मार सकता। नहीं 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 नहीं, तू पकड़ा जाएगा, तू पकड़ा जाएगा, प्लीज 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 पकड़ा जा, शाबाश। 85 98 90 100
और ये मेरे पाल को मार देगा। तू मेरे पाल को मारेगा पकौड़े? तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। मेरा पाल अगर मरा ना भाई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा भाई। तू बहुत ऑसम है। लेकिन गाइस एक और पोकेमोन तुम्हारे भाई ने पकड़ लिया जिसका नाम जो किया है कौन सा है? कहाँ गया? नो नीचे देखो भाई, वो पोकेमोन पकड़ा ही नहीं गया। पाल तूने उसको मार दिया। ये देखो एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, दूसरी बॉडी कहाँ है? ओ नो वेज नो वेज नो वेज। आई थॉट कि मैंने उसको पकड़ लिया था यार। तुम लोग खुद देखो गाइस, भाई मैंने उसको पकड़ा था 100% लिख के भी आया था। और गाइस लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पोकेमॉन्स हो चुके, तो एक पाल बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने पाल्स को रखेंगे। हमारे पाल्स, रुको एक बारी, यहाँ पर ना इसके बैक साइड आई थिंक अच्छा लगने वाला है, समथिंग नॉट लाइक दिस। कहीं और रखना पड़ेगा क्या मेरे को इसको? हाँ यहाँ पे आ जाएगा आराम से। इसको मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा, लेट्स गो। और इसको बनाएंगे, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं। वेयर इज माई क्यूट क्यूट पोकेमॉन? आ जाओ मेरे बेटे, देखो ये मेरे साथ बिल्ड करिए। कितना क्यूट है ये भगवान। I'm gonna die, bro. I will die. ये कितना खुश हो जाता है बनाने के बाद। कितना क्यूट है ये भाई साहब। This guy is awesome, यार। हम लोग यहाँ पर अपना बेस भी अपग्रेड कर सकते हैं इससे, एंड हम लोग अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। अरे वाह मेरे भाई, this is so good, bro. मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ओके गाइस, हम लोग एक बार में सिर्फ 5 पोके बॉल्स को दिखा सकते हैं। मैंने हुकरेट पकड़ा हुआ एक्चुअल में, यहाँ देखो इस बदसूरत को मैंने पकड़ा हुआ है। ओ भाई आई थॉट कि मैंने तुझे नहीं पकड़ा था यार। चलो ठीक है गाइस, हम लोग 6-7 पोकेमॉन्स पकड़ चुके आज के दिन बाय द वे। एंड आई हैव टू डू वन थिंग गाइस, मेरा ये वाला जो पाल है ये मेरे पास हमेशा होना चाहिए। गाइस देखो 5 पोकेमॉन्स हम लोग मैक्सिमम पकड़ सकते हैं और बाकी सारे हमारे यहाँ पे आते हैं। पाल ये बेसिकली पाल का घर है एक हिसाब से, तुम लोग ये मान के चल लो। ओके आई गॉट इट। और जो हमने ये वाला पोकेमॉन पकड़ा था गाइस, अभी तक मैंने इस शैलरी को चेकआउट नहीं किया है फिलहाल को, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वन थिंग, इसको मैं घर फेंकता हूँ। आ हा मेरे भाई क्या बात है यार। मुझे गाइस इन सारे के सारे पोकेमॉन्स की जो स्ट्रेंथ है, जो अटैक स्ट्रेंथ है, या फिर ये लोग किस तरीके से ये फूड उठा के लेकर आ रहा है, ये फूड उठा के लेके आया मेरे लिए, और ये इसको उठाकर इस बॉक्स के अंदर डाल गया। व्हाट? ये बहुत काम का है, ये बहुत काम का है, ये वुड। ओके गाइस तो बेसिकली इसकी एक बहुत अच्छी पावर ये है कि आसपास का सारा जो सामान पड़ा हुआ है ना, जो हमारे काम का है, ये उसको उठाकर लेकर आएगा। एक बार को मैं इसका पीछा करूंगा एक बारी। और क्या करेगा भाई तू मेरे लिए? तू बड़ा औसम चीज है यार, है ना। इसको जरा मैं गाइस एक बार अंदर वापस ले, भुला दिया मैंने इसको, मैं यहाँ पर कहीं पर छोड़ने वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखते क्या करता है। ओ ये क्या है? What the hell are you, bro? अरे मरा हुआ उसकी लाश है पहले वाले के, ठीक है कोई बात नहीं है। जा 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 शैलरे, जा मेरे भाई शैलरे। और यहाँ पर तू बहुत सारे सामान उठा के ला। हर एक पोकेमॉन की अपनी खुद की स्ट्रेंथ है। ओ माय गॉड, आई एम लर्निंग सो मच न्यू थिंग्स ब्रो इस गेम के थ्रू। आ जाओ मैं इसको तोड़ूंगा एक बार, एंड लेट्स सी कि क्या मेरा पोकेमॉन इसको उठाता है कि नहीं उठाता है। ये तो नहीं उठाएगा। अरे वेट 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 वेट, आई हैव टू ट्राई दिस, आई हैव टू ट्राई दिस। ओके गाइस, ओके इसको उठा के ड्रॉप कर। उठाएगा इसको? प्लीज टेल मी उठाएगा इसको, प्लीज टेल मी। अरे उठा देना भाई, अरे इसको उठाना भाई। नहीं रुका एक बारी, मैं इसको पकड़ के वापस से इसके ऊपर फेंकता एक बारी। उठाएगा ना? इसको नहीं उठा रही है। डू आई हैव समथिंग? मेरे पास वुड्स पड़ी है गाइस, अगर मैं वुड्स को नीचे गिराऊंगा तो क्या इन वुड्स को उठाएगा ये? आ रहा है। उठाना भाई प्लीज यार, उठाना इसको। नहीं उठाएगा, रुक जाए एक बार, तेरी ऐसी की तैसी। उठा इसको, शाबाश। मैं दूर जाऊंगा एक बारी। ओ बेस के आसपास वाला सामान उठाता है तू, आप समझा मैं। आ जा, मैं इसको यहाँ पर फेंकने वाला। आ जा भाई, बहुत इजी। ओए देखो मैंने इसको किया, और ये वापस आके लकड़ी उठा रहा है, एक्चुअल उठा रही है। ओ पर ये हाफ हाफ करके उठाता है, देखो इसने इसको उठाया वापस डाल दिया। अरे भाई हर एक पोकेमॉन अपने में यूनिक है, बट अभी भी गाइस मेरा फेवरेट तो यही है, ये बहुत क्यूट है फैमिली टू यार। हेलो हेलो मेरे बच्चू, हेलो हेलो। चल वापस आ एक बारी। ओ गाइस देखो मैंने यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करी है। ओके जैसे हमारे पेंगुलुटू है ना, इसके पास यहाँ पे आइस मिसाइल्स है, जो कि ये आइस मिसाइल फेंकता है और फिर अगले को फ्रीज कर लेता, राइट? हमने देखा था अभी ये। और यहाँ पे इसकी 2 एम्प्टी स्लॉट्स पड़े हुए हैं इस पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी और आ सकती है तगड़ी तगड़ी, कोई भी 2 स्किल्स अनलॉक करनी पड़ेगी मेरे को बस ये। और फिलहाल को इसकी पावर 30 है, इसकी पावर भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। और जो शैलरे है इसका देखो क्या हाइड्रोजेट है, ये पानी के ऊपर उड़ सकता है। ओ इनको भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। ओ गाइज यहाँ पे देखो, ये हमारा बेस है ना हमारा। ओ गाइस मैंने भी एक चीज नोटिस करी है, यहाँ देखो ये हमारा बेस है, तुम लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग अपने सारे के सारे पाल्स को बाहर बाहर भी निकाल सकते हैं। मैंने एक को तो निकाल दिया, पर बाकी के बाहर नहीं निकल रहे मेरे से यार। ये देखो मैंने इसको बाहर निकाला हुआ एक्चुअल में, और मे भी हम लोग एक ही को बाहर निकाल सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके गॉट इट बॉयज, एक ही को निकाल सकते हैं फिलहाल के लिए।
इसको मैं वापस बुलाने वाला हूँ अभी, ठीक है ना भाई। ए कौन, हेलो हेलो भाई जी, हु द हेल आर यू? क्या ये वॉन्डरिंग मर्चेंट, ये वॉन्डरिंग ट्रेडर है माइनक्राफ्ट का तेरी ऐसी की तरह? क्या बोल रहा है? आई हैव गॉट सम गुड आइटम्स इन स्टॉक, दिखा दे भाई जो भी तेरे पास है मुझे खरीदना एक बारी। लेट मी चेक गाइस, क्या क्या बेच रहा है। पाल्स पेयर बेच रहा है ये मेरे को 120 गोल्ड के बदले। आर यू सीरियस डूड, मैं फ्री में बना सकता हूँ ये सब। एरोज मैं तब भी, एरोज देखो मेरे पे ना, यहाँ देखो 158 पड़ा हुआ है, मैं ये मैं इसे जरूर खरीद सकता हूँ। अच्छा एक एरो 5 का है, पागल हो रहा है क्या भाई? ऐसे फ्री में बना दूंगा भाई इतना तो मैं। हाँ पर बहुत सारी चीजें गई जो कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। बेरी सीड्स, रेड बेरीज, मिल्क मैं इसे खरीद सकता हूँ। ओ क्योंकि और बाय द वे गाइस, बेरी सीड है ना ये बड़ी काम की चीज सकती है। देखो मैं इसे एक बाय कर दूंगा क्योंकि ये मैं उगा सकता हूँ। अरे भाई 100 रुपए का दे रहा है यार, ये तो कुछ भी यार। इनफैक्ट आई लेट्स डू वन थिंग बेटा, ऐसा है। मेरे पाल को मारा ना, माँ कसम से तू गया मेरे हाथ से बेटा, तेरी ऐसी की तैसी पकौड़े बात गलती से लगी तेरे को। मैं इसको मारना नहीं चाहता था गाइस, मैं इससे सेल करना चाहता। अच्छा 154 गोल्ड के कॉइन मिल गए मेरे को फ्री के। मर्डर करने का कुछ फायदा हुआ बेचा, हमारे पोकेमॉन पे जो चढ़ेगा उसका मर्डर स्मार्टिफाई करेगा, समझे ना? ऐसा मत सोचना तुमने कभी भी। गाइस मैं एक्चुअली में यहाँ पे ना रात होने का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे अपने पोकेमॉन को भाई यहाँ पे सुलाऊंगा उसके छोटू से क्यूट वाले बेड के ऊपर। बट गाइस यहाँ पे लिख के आ रहा है कांट बी अ साइंट, बट वाई प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्यों लिख के आ रहा है। और मैं अपने इस पोकेमॉन को ये बेड असाइन कैसे कर सकता हूँ, यू गाइस हैव टू लेट मी नो गाइस, ओके ठीक है ना। बाकी फिलहाल के लिए गाइस मैं इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द डालूंगा बिकॉज वी हैव टू गो फॉर एक्सप्लोरेशन बॉयज, आई कांट स्टॉप प्लेइंग दिस गेम। मैं अभी बिना 4 घंटे बैठ के और खेल सकता हूँ इस गेम को क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए भाई। आई एम सो एक्साइटेड, इसको पकड़ना है नेक्स्ट एपिसोड है भाई। इसका नाम क्या है? डे ड्रीम। पक्का पकड़ोगा भाई, तू बस रुका रहे भाई तू अभी। गाइस वीडियो को लाइक, 1 लाख का जरूर कंप्लीट करना है, नई गेम है, बहुत मजा आएगा, बहुत एपिक वर्ल्ड बनाएंगे हम लोग वाला, पूरे 111 पोकेमॉन पकड़ने वाला मैं। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता तुम लोगों से ऐसी धासु में क्रीडा में गाइस। तुमसे ऑसम मैन, बाय बाय। ओह माय गॉड, आई वांट टू प्ले दिस गेम होल नाइट।